एक डाउट था सर, बोलिए। वो जो क्वेश्चन था ना लास्ट क्लास का, वो सब हम सर बना लिए, लेकिन सर ये चार आपने दिए थे ना, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चार को हमको एक साथ दिखाना था तो वो हो गया, लेकिन अगर हमको 1000 टास्क करने हो तो ऐसे तो हम सर इंडिविजुअली बना नहीं सकते, तो आरे के अंदर कैसे करेंगे ये हमको पता नहीं चला। मतलब कौन सा? ये जो लास्ट क्लास का जो सर था ना, ऐड 2 नंबर, ऐसे करके हमको इंडिविजुअली सबके लिए हम बनाए, मतलब ऐड 2 नंबर के लिए, फिर सब्सट्रैक्ट, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, लेकिन हम आरे में अगर उसको दिखा देंगे, वो आरे में भी सर हम ट्राई किए लेकिन मतलब एरर सॉल्व नहीं हुआ, जैसे कि जेवी का जो बटन बनाए थे वो हमको हम मतलब ऊपर से ग्लोबली सर इनिशियलाइज किए, फिर ग्लोबल करने के बाद वो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के अंदर एरर आने लगा, तो हम सर रिजर्व नहीं कर पाए वो एरर सब, तो आरे के अंदर सर कैसे करें। ना यहाँ पर आप बोल रहे हैं क्या? इस सेटअप पर आपको चाहिए क्या? सर एक सेकंड, हम स्क्रीन शेयर कर लेते हैं सर, कर सकते हैं ना, आपको दिखा हाँ हाँ देंगे। करिए, हाँ करिए। सर सर विजिबल हो रहा है ये? बोलिए। सर देख, ये सर है, मतलब हम जब ये तो सर सब हम इंडिविजुअली कर दिए, मतलब वो जो एडिशन का था और डिवीजन, लेकिन इसी में सर हम रन जब करते हैं ना तो सर ऐसे आ गया हमारा आउटपुट, एक मिनट सर। ये सर आउटपुट ऐसे आ गया, हम एंटर करते हैं तो वो सब हो जाता है, लेकिन सर इससे में हम सारे के सारे में मतलब सेपरेटली किए, जैसे कि ऐड 2 नंबर, सब्स्ट्रैक्ट 2 नंबर, ऐसे जे टेक्स्ट फील्ड पहले बना दिए, फिर सर इंडिविजुअली TF1, TF2, TF3 करके, फिर TF11, TF2, TF3 करके फिर बनाए, ऐसे ही सर एंटर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, रिजल्ट के लिए एडिशन के लिए पहले बनाए, फिर सब्सट्रैक्शन के लिए बनाए, फिर मल्टीप्लीकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, सर अलग अलग हमको बनाना पड़ा, और कॉल भी जब हम किए ना सर तो सेपरेटली ऐसे सर करके कॉल किए, तो इसको हम आरे में बनाना चाहते हैं क्योंकि ये सर कोर के लिए था, तो एरे में आप हमको करना क्या चाहते हैं अनन्या? मतलब ये सब जैसे सर एंटर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, रिजल्ट, ये हमको दोबारा लाना लिखना पड़े, इसीलिए हम चाहते हैं कि रिपीट हो जाए ये लूप के अंदर अगर डाल देंगे या आरे में कुछ कर पाएंगे, क्योंकि सर ये 4 था ना, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, अनन्या आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा ये सर, वो चीज मतलब नहीं है ना कि आप लूप से चला दीजिए। अच्छा सर, तो मतलब ऑल्टरनेटिव नहीं है ना, हमको ऐसे बनाना पड़ेगा। हाँ अल्टरनेटिव नहीं है वो, कैसे आप अल्टरनेटिव दीजिएगा? आपको टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू डालना है तो टेक्स्ट बॉक्स तो लेना होगा ना। हाँ सर, मतलब हम बोल रहे थे कि टेक्स्ट बस को अगर हम लूपिंग में डाल दे, ऐसे कुछ हो पाएगा या नहीं, मतलब ये ये सर जावा चार स्क्रिप्ट के लिए। ये जावा स्क्रिप्ट नहीं है। अच्छा, सर अब ये हो हम पाएगा पूछ रहे लेकिन थे कि वो थोड़ा सा अगर हो भी जाएगा तो वो थोड़ा सा भी क्रिटिकल है, वो अभी रहने ही दीजिए उसको। ओके सर, क्योंकि सर आप चार के लिए दिए थे ना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अगर हमको और बहुत सारे बनाने के लिए करना पड़ेगा तो सर हम कितने बार ऐसे कर करके तो चाहिए, मेहनत समझिए करना ना पड़ेगा ना, सर। वो तो हम लोग जो सॉफ्टवेयर बनाते थे कभी कभार तो उसमें कम से कम 50-30 भी रहता था, तो 30-30 टेक्स्ट बॉक्स तो बनाना पड़ेगा ना। ओके सर, नहीं, मतलब हम अल्टरनेटिव सर सोच रहे थे अगर हो पाएगा ऐसे कुछ, मतलब आइडिया होगा, इसीलिए हम सर पूछे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना आपको फॉर्म्स में जितना डेटा चाहिए उतना डेटा आपको बनाना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू, ठीक है सर। और एक बात अनन्या और हम बता रहे हैं आपको, थोड़ा सोचिएगा कि जी एक सर, फॉर्म में इतना बड़ा एरिया होता है,
है ना, यस तो उस इतने बड़े एरिया में कितना आ सकता है, 10, 20, 30, सर, यस सर, उससे ज्यादा आ सकता है क्या? नो सर, तो 150 का तो बात ही नहीं हो सकता है, हाँ वो क्योंकि भी तो सर, एक फॉर्म में तो 30 ही आएगा ना, उससे ज्यादा का तो जगह भी नहीं होता है। ये सर, हाँ ये भी सही बात है, ये सर, एग्जैक्टली, यस सर, थैंक यू। ठीक लग रहा है ये अच्छा काम चलाने वाले भाई? बहुत अच्छा नहीं है। देखो टेना किया, 5, 5, 0। स्क्रीन शेयर नहीं है, स्क्रीन स्क्रीन शेयर है, आप शेयर नहीं देख है। पा रहे हो। 5, 5, 25, 5, 5, डिवीजन 1। और एक पे क्लिक करके न्यू फॉर्म कैसे खोलेंगे? देखो न्यू फॉर्म खुल गया और इस पे क्लिक किया तो वापस हम यहाँ आ गए। ये पूरा का पूरा हम आज बनाना सिखाते हैं हम लोग। देखिए पूरा डिजाइन हम लोग कैसे करते हैं, एक आप लोग को प्रेस से बनाकर दिखाते हैं। पर अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रहा हमको। आप रिकनेक्ट कर तुम्हारा लीजिए, पिन होगा, चेक करो। नहीं है पिंड। हाँ, सर आ गया। हाँ ठीक है, चलो आज एक डिजाइन आपको बनाकर दिखाते हैं। नहीं ठीक है, डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को जो बाइफोगेट करना पड़ता है, बाइफोगेट करने के लिए मेरे को लेना पड़ता है पैनल्स। तो हम सबसे पहले यहाँ पर पैनल लेके, यहाँ एक पैनल लिए ये वाला, ये एक पैनल लिए जहां पर हम बटन्स बनाएंगे। ये एक पैनल लेंगे जहां पर हम हेडर देंगे, हेडिंग देंगे। ठीक है, और ये एक पैनल बनाएंगे जहां पर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन देंगे, और इस एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर में हम और कुछ पैनल्स ले लेंगे जिस पर हम अभी एक ही ले रहे हैं, बाकी आप लोग को बनाना है। हम यहाँ पर एडिशन के लिए ले रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी बना चुके हैं इसको, देंगे। ठीक है, अब इसको हम बाइफोकेट अलग अलग करेंगे। तो अलग करने के लिए मेरे को इसको कलर करना पड़ेगा। तो कलर के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पर बैकग्राउंड कलर है कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे, आ गया कलर। उसके बाद इसके ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे ये कलर, डाल दिए। फिर हम यहाँ जाएंगे, इस पर प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, इस पर जाएंगे और ये कलर ओके डाल दिए। उसके बाद इस पर जाएंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, इस पर जाएंगे, कलर्स पे जाएंगे, यहाँ डाल दिए। अब ये क्या हुआ, मेरा कलर्स रेडी हो गया। अब हमको फटाफट एक बटन्स बनाना है, तो चलो बटन्स बना लेते हैं। यहाँ पर पैकेट्स, यहाँ जाएंगे बटन्स, अभी हम एक ही बनाएंगे, बाकी आप लोग खुद से बनाइएगा। ये देखो ये बटन हम यहाँ पर बना दिए। ठीक है, और अब जैसे मान लो कि कभी मेरे को यहाँ पर एक लेबल देना है कि एडिंग सब्ट्रैक्शन के लिए, तो हम यहाँ पर से लेबल हटा उठा कर यहाँ पर दे देंगे। और इस लेबल का मान लो कि नाम चेंज करना है या फिर इससे कुछ इस पर कुछ चेंजेस करना है, तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद इसका मान लो फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट से हम यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। देखो हम यहाँ पर इसको फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिए। ठीक है, बोल्ड भी कर देते हैं, तो यहाँ पर देखो हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बोल्ड कर दिए। अब मेरे को सर नाम चेंज करना है, तो नाम चेंज करने के लिए हम यहाँ पर टेक्स्ट में चले जाएंगे, टेक्स्ट में यहाँ पर लिख देते हैं सम। तो देखो यहाँ पर मेरा टेक्स्ट आ गया सम, इस तरीके का अब हम यहाँ पर बना दिए हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पर दो टेक्स्ट बॉक्स देना है, उस टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू को ऐड करके नीचे रिजल्ट आना चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और रिजल्ट सेक्शन के लिए एक और पैनल बना लेते हैं। यहाँ पर इस पैनल का कलर हम लोग दे देंगे ग्रीन। ठीक है, क्योंकि ये रिजल्ट शो करा रहा है, तो हम यहाँ पर दे देते हैं इसको ग्रीन। ठीक है, आ गया ये मेरा। अब हम यहाँ पर दो टेक्स्ट बॉक्स,
आ गया। अब जैसे इस पे मेरे को बटन्स देना है, बटन्स लेने के बाद हम यहाँ पर एक बटन ले लेंगे यहाँ पर, सॉरी बटन तो ऑलरेडी ले लिए हैं। अब हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स देना है मेरे को, तो यहाँ एक टेक्स्ट फील्ड ले लिए और यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड ले लिए, यहाँ पर रिजल्ट्स को कराना है, इसे कलर को चेंज कर देते हैं। और इसमें रिपोर्ट दिखाने के लिए एक हम लेबल ले लेते हैं, लेबल को हटा देते हैं और इसका फॉन्ट साइज को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, कर दिए। अब हम यहाँ पर चले जाएंगे, इसका हमको डेट टेक्स्ट फील्ड हटाना है, तो यहाँ से देखो हम यहाँ से हटा सकते हैं, हटा दिए। इसको भी हटाना था तो देखो यहाँ से हम गए, यहाँ से हम इसको हटा दिए। अब मेरे को इस बटन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ का वैल्यू ऐड होके यहाँ शो होना चाहिए, तो मेरे को क्या करना होगा, इस बटन पे हम क्लिक करेंगे जब, तो देखो ऑटोमेटिकली मेरा जे बटन एक्शन लिस्ट खुल गया, सारे वेरिएबल्स यहाँ पर डिक्लेयर ऑलरेडी हो चुके हैं, मेरे को उस पर दिमाग लगाने का थोड़ा भी जरूरत नहीं है, सारे वेरिएबल्स यहाँ पर डिक्लेयर हो चुके हैं। ठीक है, आप चाहेंगे तो ऐसे नाम चेंज का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर नाम डिक्लेयर हो चुके हैं। आप जाएंगे यहाँ पर, अब आपको इस दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए आपको नाम चाहिए, तो नाम कैसे लेंगे, आप जब से इस पर क्लिक करेंगे आप चले जाइए इस पर, जे टेक्स्ट फील्ड वन, जे टेक्स्ट फील्ड टू, यहाँ पर दो है, यहाँ पर जाइएगा एक्सेल लिस्टनर परफॉर्म में, यहाँ पर आपको लिखना है इंटीजर ए इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स आई एन टी, जे टी लिखिएगा तो जे टेक्स्ट फील्ड आ जाएगा, जे टेक्स्ट फील्ड वन डॉट डेट टेक्स्ट सेमीकॉलन, हो गया। अब यहां पर जैसे इसको कॉपी करिए कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट करने के बाद यहां पर आप डाल दीजिए इंटीजर बी, इंटीजर बी डालने के बाद आप यहां पर डाल दीजिए जे टेक्स्ट फील्ड टू का वैल्यू आ गया, तो यहां लिखिएगा सी इक्वल टू ए प्लस बी, सेव करिए, इंटीजर लगाना होगा आगे, उसके बाद यहाँ पर डालिए वैल्यू, किस पे दिखाना है, लेवल पे दिखाना है मेरे को, दो लेवल है तो यहाँ पर लिखना होगा जे एल, लिखिएगा तो आ जाएगा जे लेवल टू पे मेरे को वैल्यू दिखाना है, जे लेवल टू कौन वाला है, यहाँ पर जो लिए थे ग्रीन के ऊपर, जे लेवल टू डॉट सेट टेक्स्ट स्ट्रिंग टू बोल रहा है, हमको यहाँ पर क्या करना होगा, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ इंटीजर डालना है मेरे को, तो सी का वैल्यू हम यहाँ पर डाल दिए, सेव करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे,
आ गया डिजाइन मेरा, यहाँ डालेंगे 5, यहाँ डालेंगे 5 और एडिटर करेंगे यहाँ से करके। कोई डाउट है? कोई डाउट है आप लोगों को? सर लेबल का नेम चेंज करने वाला एक बार फिर से बता दीजिए ना। क्या चीज बता दे बताओ? सर लेबल का नेम चेंज किया था हम लोग। लेबल का राइट क्लिक प्रॉपर्टीज यहां से। ओके सर। देखो बहुत अच्छा अच्छा डिजाइन बना सकते हो यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट फटाफट बन जाता है। सर अभी हमको ये सब बनाने में मतलब कोडिंग का तो जरूरत नहीं है ना, हम इसी से बना सकते हैं सब। ठीक और इसी से बनाना ही पड़ता है अनन्या, कितना जब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट पे काम करोगे उतना फुर्सत थोड़ी रहता है कि सेट बाउंड उतना उतना लिखना पड़े। सर ये सर सो बेसिक सर मतलब जानने के बाद हम ये इसी से बना लेंगे ना। हाँ वो बेसिक जान गए ना कि एक्चुअली ये सब जावा का चीज होता है, बस अब उसको भूल जाओ, अब उसको याद नहीं रखना है। ओके तो हो गया, अभी अभी इसी से बनाना है, नहीं तो अगर वो सब बोलोगे ना तो सब बोलेगा कि अभी आप 20 साल पहले काम करते हो। ठीक है अभी ये सब चलता है मार्केट में, नहीं तो आप इतना अच्छा अच्छा डिजाइन बना ही नहीं पाओगे। ये यही डिजाइन अभी उसमें बनाने जाओगे ना तो अभी आपको 3 दिन लग जाएगा। ये सर हम उस हमको तो वो बताना ही नहीं चाहिए एक्चुअली, लेकिन हम बताते इसलिए है ना क्योंकि आप लोग को पता चलना चाहिए कि बेसिक सर बेस स्टार्ट कहाँ से हुआ है। अब देखो ये सब जब अभी बन रहा है ना तो आपको बहुत ज्यादा अजीब नहीं लग रहा होगा। ये सर वो सीखने के बाद ना ये जो वर्ड लिखा है कि J button 1 एक्शन परफॉर्म दिया, आपको अटपटा नहीं लग रहा होगा। ठीक है ये सब सब समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये क्या है एक्चुअली में, ये क्या कर रहा है। तो अच्छा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, बटन के ऊपर एक्शन परफॉर्म होता है, तो ये सब कॉमन हो गया आप लोगों के लिए। अब ये डिजाइन आप लोग देखोगे तो आप लोगों को मजा आएगा, इसलिए हम वो क्लास ले लेते हैं। तो आप चाहते तो यहीं से शुरू करते हैं, इसमें शुरू करने से क्या ना बहुत मजा आता, स्टार्टिंग में लगता वाओ। ये सर वो सर वो प्रीवियस क्लास हमारे लिए बेनिफिशियल था, मतलब हम अभी जान पाते हैं ना कि क्यों वो सब यूज कर रहे थे हम, सेट बाउंड क्या है, जे पैनल ये सब हमको समझ में आ गया सर। हाँ। वो बेनिफिशियल था बहुत, इसीलिए उसको दिया। ये सब अब क्या है ना, ये सब सब चीज इजी हो गया, मतलब वो पढ़ने के बाद वो थोड़ा टफ लगा, अब ये लग रहा है कि बहुत इजी आ रही है, तो डिजाइन बनाने कुछ खेल कुछ प्रॉब्लम। ये सर डायरेक्ट ये सीखते तो यही टफ लगता है, इसीलिए हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है। इतनी सारी चीजें हो गई, अभी आप लोग को पूरा ये वाला कंप्लीट करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई वगैरह जो बनाना है। पहला दिन का टास्क मेरा यही था, याद आया आप लोग को, हम बोले थे 4 पैनल्स लेने हैं। यस सर। हाँ सर, लेकिन वो 4 पैनल्स ले रहे थे तो हुआ ही नहीं, जैसे आप यहाँ पे डिजाइन किए तो डायरेक्ट हो गया, बट वहाँ पे 4 पैनल्स लेके बना रहे थे तो नहीं आए। हम इसीलिए यही थे नया अनिसा, हम इसीलिए यही थे कि आप लोग थोड़ा परेशान हैं। बॉर्डर लेआउट यूज करना पड़ेगा अगर आप हार्ड कोडेड करते हो तो। सर वो प्रीवियस वाला सर जो सर दिखा दीजिए एक बार, हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर बना देंगे। मेरे को तो मल्टीपल पेजेस ओपन करना आना चाहिए ना। यस सर। जैसे हम एक ही पेज के ऊपर सोचेंगे सब कुछ डाल दें तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, हमको तो भाई मल्टीपल पेजेस चाहिए, तभी ना हम दूसरा पेजेस को ओपन करवाएंगे। तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, तो अभी ना मेरे पास 2 प्रोग्राम है, ये वाला प्रोग्राम है और अभी हम जो बनाए वो वाला प्रोग्राम है। ठीक है अब हम इन दोनों प्रोग्राम को साइमल्टेनियसली ऑन ऑफ करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर एक बटन ले रहे हैं, क्या
छोड़ो, ये कोई नहीं। आ गया, अभी इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। ले लिया यहाँ पर बटन। अब हम चाहते हैं ये बटन को जब हम क्लिक करें ना तो मेरा ये वाला खुलना चाहिए, और फर्स्ट पे जब क्लिक करें तो ये वाला खुलना चाहिए। तो हम सबसे पहले बनाएंगे इस पर फर्स्ट पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको नाम चेंज कर देते हैं, प्रॉपर्टीज, इसका नाम है ऑप्शन वन, और एक और ले लेते हैं ओपन आर बी एस, तीन हो गया ओपन आर बी एस। अब हम ओपन आर बी एस के ऊपर जब क्लिक करेंगे, अच्छा उल्टा हो गया है, ये ऊपर अच्छा होगा, मेरा ना माउस पूरा खराब हो गया है। ठीक है, यहाँ देखो ओपन आरबीएस, अच्छा नाम ही गलत हो गया है ना मेरा, तो पूरा गड़बड़ इधर उधर हो गया सब, पूरा माउस के चक्कर में ना। इसका नाम होना चाहिए ओपन वन, अब इसका नाम होना चाहिए RGS। ओके, अब यहाँ पर ओपन वन पे क्लिक कर रहे, ये आ रहा है, ठीक है। हम चले जाएंगे ओपन RGS के ऊपर, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर मेरे कोडिंग करना है बटन एक्शन परफॉर्म टेस्ट 6 में, इसके ऊपर कंट्रोल भी करेंगे। दिस डॉट सेट विजिबल फॉल्स, ये यूज करते हैं जो एक्जिस्टिंग जे फ्रेम है उसको बंद करने के लिए, और न्यू ओपन डॉट सेट विजिबल ट्रू मतलब नया जो मेरे को खोलना है। तो अभी नया मेरे को क्या खोलना है, नया में जो नाम है मेरा वो क्या है, न्यू आरवीएस डिजाइन डॉट सेट विजिबिलिटी ट्रू, तो क्या होगा वो अलग खुल जाएगा। अभी क्या है, अब हम यहां से उसको खोल सकते हैं। अब इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा वो वाला खुल जाएगा। अब इस पर जब क्लिक करेंगे आरबीएस वाले के इस पर, तो मेरा वो खुलना चाहिए और अब ये बंद हो जाना चाहिए। तो इसके ऊपर हम क्या पेस्ट कर देंगे, ये सेटेबल सेट विजिबल ऑफ कर देंगे। इसके बाद यहां लिखेंगे न्यू, इसको ओपन करना है, फर्स्ट को ओपन करना है, फर्स्ट नहीं क्या था डिजाइन का, हाँ फर्स्ट डिजाइन डॉट सेट विजिबिलिटी, और यहां कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम रन कराते हैं फर्स्ट डिजाइन को, यहां जाके अब हम रन करा लेते हैं, खुल गया ओपन आरबीएस, देखो आरबीएस वाला फॉर्म खुल गया। अब जे बटन पे क्लिक करेंगे वापस यहां आके,
अपन आप इस पे क्लिक किए, ये वाला फॉर्म खुला। अब इस पर जो जो काम करना है कर लिए और इस पर फिर क्लिक किए तो यहाँ पर वापस होम पेज पे आ गए। मजा आया? यस सर। लग रहा है ना कि आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं? यस सर। चलो अब नेक्स्ट आप लोग का जो टास्क है, क्योंकि अब तो नेक्स्ट क्लास मंडे को होगा, इसलिए नेक्स्ट क्लास जो है आप लोगों का टास्क जो है वो थोड़ा सा टफ रहेगा। नेक्स्ट टास्क आपका इस तरीके से रहेगा कि आपको टोटल 5 पेजेस बनाने हैं। ये जो डिजाइन बनाना है ये तो बनाओगे, इसके बाद आपको 5 पेजेस बनाने हैं। सबसे पहले एक पेज ओपन होगा, उस पेज के ऊपर में 4 बटन्स होंगे, एड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन। एड पे जब क्लिक करेंगे तो एड वाला फ्रेम ओपन होगा, एड वाले फ्रेम से सारे फ्रेम पे जाने का ऑप्शन रहेगा। मतलब अगर हम एड वाले पे गए तो होम पे भी वापस आ सकते हैं, एड पे तो है ही, सब्ट्रैक्ट का भी ऑप्शन रहेगा, डिवाइड का भी और मल्टीप्लिकेशन पे भी जाने का ऑप्शन रहेगा। उसी तरीके से जब सब्ट्रैक्ट वाले पे जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट में तो है ही, फिर वहां से होम पेज पे जाने का ऑप्शन रहेगा, एड में जाने का ऑप्शन रहेगा, मल्टीप्लीकेशन में और डिविजन में। इसी तरीके से चारों को बनाना है। एक बात याद रखिएगा, जिस फॉर्म में रहेंगे उस फॉर्म का नाम वहां नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम अभी एड में हैं तो जाने का ऑप्शन कहाँ कहाँ होना चाहिए? होम में होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट में होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन में, डिविजन में। वहां एड में जाने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ये इसका खास ख्याल रखेंगे। और ये आप लोग को बनाकर मेरे को लाइव दिखाना है, अपना अपना स्क्रीन शेयर करके मंडे को। और आयुष जी, आज का वीडियो किसी को आप शेयर नहीं करेंगे, प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना? आप बना लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप रखिए उसको, लेकिन